हेलो एवरीवन, मैं सेतु मैथमेटिक्स सेतु मैट्रिक्स के पार्ट 00 के साथ आप लोगों के समक्ष पुनः उपस्थित हूं। मेरे चैनल हैश सेतु सिंह पर आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन है। हम लोग मैट्रिक्स के मल्टीप्लिकेशन पिछला जो पार्ट हम लोग दिए थे 006 न्यू कह के, उसमें मैट्रिक्स के मल्टीप्लिकेशन से रिलेटेड कंसेप्ट को हमने रखा था, और मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग मैट्रिक्स के मल्टीप्लिकेशन का प्रैक्टिस अच्छी तरह से कर लिए होंगे। उसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग कुछ अलग टाइप, आगे के जो मल्टीप्लिकेशन के बाद का जो टाइप है उस पे हम लोग बढ़ते हैं। ए का ए एक मैट्रिक्स है जिसका वैल्यू कितना दिया हुआ है, 3-2, 4-2, और आई का वैल्यू कितना है, 1-0-0-1। क्या प्रूफ करना है, a²-a+2i=0। अब बहुत से बच्चे दिमाग लगा लेते हैं कि ए स्क्वायर है तो 3 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 9 होगा, -2 का स्क्वायर 4 होगा, 4 का स्क्वायर 16 होगा, -2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा। मैट्रिक्स के मल्टीप्लिकेशन में ऐसी गलती नहीं करना है। अच्छा, तो ए स्क्वायर कैसे निकालेंगे, मैट्रिक्स में ए स्क्वायर अगर आपको इवेलुएट करना है तो ये तरीका है, a into a। मतलब क्या, a एक मैट्रिक्स है, उस मैट्रिक्स को खुद के मैट्रिक्स यानी उसी a से मल्टीप्लाई करने के बाद आपको a स्क्वायर आएगा। अच्छा, a स्क्वायर इक्वल टू, a का वैल्यू कितना है क्वेश्चन में दिया हुआ, ध्यान से देखिए, 3-2, 4-2 लिख सकते हैं ना। फिर a है, a तो यही होगा ना, 3-2, 4-2 ऐसा लिखा जा सकता है। मैट्रिक्स के मल्टीप्लिकेशन में मैं क्या बताया था कि पहला मैट्रिक्स का ऑर्डर लिख देना 2×2। ऑर्डर कैसे लिखा जाता है जी, रो इनटू कॉलम। रो किसको कहते हैं, हॉरिजॉन्टल। कॉलम किसको कहते हैं, वर्टिकल। इस मैट्रिक्स का ऑर्डर 2×2। ओवल बना लिए, क्या बताए थे, अगर मीन इक्वल हो, 2×2 है, मल्टीप्लिकेशन होगा, मल्टीप्लिकेशन जो होगा उसका ऑर्डर 2×2 होगा, मतलब उसमें दो रो होंगे, दो कॉलम होंगे। अच्छा, चलिए अब इसको आगे बढ़ाते हैं। ए स्क्वायर इक्वल टू, उस दिन मल्टीप्लिकेशन में एक जगह कहीं एलिमेंट मल्टीप्लिकेशन में गलत हो गया था, कुछ बच्चे ने कमेंट किया, अरे ह्यूमन है, एरर हो सकता है, आप सुधार लो, ठीक है। अब देखिए क्या बताए थे, दो रो होगा, दो कॉलम होगा, ध्यान से देखिएगा, दो रो होगा, दो कॉलम होगा, इसी तरह से बताए थे ना, दो सीधा लाइन, दो तिरछा लाइन, दो हॉरिजॉन्टल लाइन, दो वर्टिकल लाइन, कितना डॉट्स बना, 4। उसी डॉट्स के हिसाब से उल्टा एल बना लेना है। अब ध्यान दीजिए, मैट्रिक्स के मल्टीप्लिकेशन में मैं इस बात का चर्चा किया हूं कि कभी भी अगर प्रोडक्ट करना हो, सेकेंड मैट्रिक्स को बाद में लेते हैं, पहले फर्स्ट मैट्रिक्स को लेंगे। तो यहां कितना फ्लोर है जी, 2 फ्लोर, कौन कौन, या ग्राउंड फ्लोर या फर्स्ट फ्लोर। अच्छा, ऊपर क्या सेट कर देंगे, ध्यान से देखिए, 3-2, यहाँ क्या होगा, 3-2। अच्छा, इसको यहाँ रख देंगे, बहुत अच्छा, 4-2 लिखा जा सकता है ना, इस मैट्रिक्स का अब कोई काम नहीं। यहाँ देखिए, अब ये क्या बताया था, जो नेक्स्ट सेकेंड मैट्रिक्स होता है वर्टिकली चलता है, क्या है, 3-4, यहाँ लिख देंगे 3-4। फिर नेक्स्ट में क्या है, -2-2 लिखा जा सकता है ना, फिर यहाँ पर 3-4 और नेक्स्ट में -2-2, ध्यान से देखिएगा। चलिए, 3×3, 9, -2×4, 8, 3×-2, -6, -2×2, +4, कोई दिक्कत, 4×3, 12, -2×4, -8, 4-2, -8, -2×2, +4, हो सकता है एडिशन सब्ट्रैक्शन करने में कहीं मिस्टेक हो जाए, वो आप कर लेना। 9-8, 1, यह हो गया -2, यह हो गया 4 और यह हो गया -4। यह किसका वैल्यू आया, ए स्क्वायर का, जल्दी से उतार लीजिए, ए
ए स्क्वायर का वैल्यू 1-2, 4-4 है, ए यही मैट्रिक्स है। यहाँ क्या लिखा है 2i, i मालूम है क्या है, i है यूनिट मैट्रिक्स और आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अब एक चीज ध्यान देना है, दिए हुए मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है 2x2, i का ऑर्डर तो नहीं लिखा है ना, लेकिन आपको मालूम है कि कोई भी मैट्रिक्स के एडिशन और सब्ट्रैक्शन के लिए यह जरूरी होता है कि मैट्रिक्स सिमिलर ऑर्डर का हो। मतलब क्या, मतलब है कि अगर a प्लस बी या a माइनस बी हम लोगों को करना है किसी मैट्रिक्स के अंदर में, तो दोनों एक ऑर्डर का होना चाहिए, सेम ऑर्डर का होना चाहिए। अच्छा, तो मतलब है कि i का भी ऑर्डर 2x2 होगा। जी, i जो है वह मैट्रिक्स के ऑर्डर के हिसाब से अपने आप को एडजस्ट कर लेता है। समझ में आ गया बात? ठीक है, चलिए अब 2i का वैल्यू निकाल लें। 2i मतलब 2, 2x2 ऑर्डर का मैट्रिक्स होगा, 1-0-0-1 लिखा जा सकता है ना। कितना इसका वैल्यू हो गया 2-0-0-2, यहां तक में कोई दिक्कत? वह ए स्क्वायर का वैल्यू है, ए हम लोगों के पास है 2i। अब देखिए, बहुत लोग इसको जीरो समझ लेते हैं, यह जीरो ही है लेकिन जीरो नहीं, जीरो मैट्रिक्स है, ठीक है, ओ ओ है ओ। अब हम लोग इस क्वेश्चन का LHS लेते हैं, ठीक, ध्यान से देखिएगा क्या लिखा हुआ है। ए स्क्वायर बहुत अच्छे, माइनस ए बहुत अच्छे, प्लस 2i बहुत अच्छे। ए स्क्वायर का वैल्यू, ए स्क्वायर का वैल्यू वहाँ देखिए उस तरफ, 1-2, 4-4 लिखा जा सकता है ना, ध्यान से देखिए इस तरह से लिख दिए। माइनस क्या लिखा है, ए, ए का वैल्यू क्या है 3-2, 4-2 लिख दिए ना, प्लस 2i 2-1-0-0-1 लिख दिए। यहाँ तक में कोई दिक्कत? चलिए, अब दो प्लस है एक माइनस है, पहले इसको और सॉल्व कर लें हम लोग। अब देखिए, इस 2 को मैं यहीं मल्टीप्लाई कर देता हूँ 2, ठीक। अब ऐड कीजिए, 1+2 3, -2+0 -2, 4+0 4, -4+2 -2, -3 -2 4 -2। अब ध्यान से देखिए, 3-3 -2 -2 4-4 -2 -2, बीच में माइनस है, तो इसको काट, बहुत लोग इसको ऐसे कैंसिल कर देंगे, कैंसिल नहीं करना है, इसको आप सब्ट्रैक्शन बनाए हुए हैं, जब इसको सब्ट्रैक्ट करोगे इस तरह का रिजल्ट होगा, फिर आप उसको ओ लिख देंगे। तो उम्मीद करते हैं इस तरह का इस क्वेश्चन जब भी आपको आएगा आप बना लोगे। क्या इसका एल्गोरिथम क्या है, वर्किंग एल्गोरिथम क्वेश्चन को सॉल्व करने का? सबसे पहले ए स्क्वायर फाइंड कर लेना है। कैसे ए स्क्वायर, स्क्वायर करके? जी नहीं, स्क्वायर करके नहीं, ए स्क्वायर अगर इवेल्युएट करना होगा तो ए इंटू ए कर लेंगे। फिर यहाँ पर एक मैट्रिक्स होगा 5a 6a, कुछ भी हो सकता है, तो अब यहाँ a था तो डायरेक्ट लिखे, अगर 6a होता तो 6 से हर एक एलिमेंट को स्केलर मल्टीप्लिकेशन। i ऑर्डर के हिसाब से चलेगा, i हो गया यूनिट और आइडेंटिटी मैट्रिक्स। इस मैट्रिक्स का ऑर्डर 2x2 था, तो यहाँ भी जो लिया हुआ यूनिट मैट्रिक्स है उसका भी ऑर्डर 2x2 होगा। सभी को लेफ्ट हैंड साइड में ले लेंगे, RHS आपको आ जाएगा। तो उम्मीद करते हैं यह क्वेश्चन आपके दिमाग में सेट कर गया होगा, दिल में बस गया होगा। देखिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन उसी टाइप पे बेस्ड है। a=10-17 लिखा है, इस बार कचरा का वैल्यू निकलना। अरे कचरा के कांस्टेंट सच डैट a²-8a+ki=0। सिमिलर प्रोसेस है, अभी तुरंत जो प्रीवियस क्वेश्चन हम लोग किए उसी तरह से होगा। ए स्क्वायर, अब देखिए ए स्क्वायर एक एक कंपोनेंट को निकाल लेना है। ए स्क्वायर इवेल्युएट कर लें, एट ए इवेल्युएट कर लें, के आई को इवेल्युएट कर लें। क्वेश्चन बनाने से पहले, मतलब LHS लिखने से पहले, वो गिवन है, दिया हुआ है, ठीक है। ए स्क्वायर अब मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ क्योंकि आप मल्टीप्लीकेशन सीख गए हो, 10-17, और यहीं पे हमने लिखा 10-17, ऐसा लिखा जा सकता है ना। दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन करना है, इसका ऑर्डर 2x2, इसका ऑर्डर 2x2, ओवल बना दिए,
मल्टीप्लिकेशन होगा ना, मीन इक्वल है तो ए स्क्वायर जो आएगा उसका ऑर्डर क्या होगा, 2x2 मतलब दो रो होंगे दो कॉलम होंगे। अब ध्यान से देखिए, यहीं पे बना लिए बॉक्स इस तरह से, इसी तरह से बताए थे ना, ठीक। अब आइए क्या यहाँ पे होगा, डायरेक्ट मैं अब लिख रहा हूँ 1010-17-17 लिखा जा सकता है, 1-1-07 क्या हो जाएगा, डायरेक्ट सोचिए 1 0 हो गया, 0 0 हो गया, -1-7 शायद -8 होगा, 0 49 हो गया, चलिए देखा जाएगा, ठीक है। ए स्क्वायर का वैल्यू आ गया 8 है, 8a 8 से सबको गुना कर देंगे, डायरेक्ट बोलिए 8 0-8 56 ओके। फिर क्या है, के यूनिट मैट्रिक्स 1 0 0 1 कितना आ जाएगा, K0 0 K तीनों वैल्यू हम लोगों के पास है, ए स्क्वायर 8a के आई इक्वेशन दिया है, के का वैल्यू निकालना है, बहुत लोग इसको प्रूफ करने लगते हैं, अरे के का वैल्यू है, के अननोन है, ठीक है। क्या है दिया हुआ, ए स्क्वायर -8a अच्छा प्लस के आई कितना है दिया हुआ, 0। ए स्क्वायर का वैल्यू कितना है, ध्यान से देखिए, ए स्क्वायर वहाँ से बोलिए 1 0-8 49 बहुत अच्छा, -8a देखिए 8 0-8 56 प्लस के आई के 0 0 K इज इक्वल टू 0 0 0 0 लिख सकते हैं। अच्छा अब जोड़ते हैं 1+k एक साथ 1+k 0+0 0 -8+0-8 49+k यहाँ लिख दिए 49+k। अब आप एक चीज़ ध्यान दीजिए, इस मैट्रिक्स में यहाँ माइनस है उस तरफ कर दिए, प्लस हो जाएगा ना 8 0-8 56 लिखा जा सकता है ना। अब कहीं से कंपेयर आप कर लो, यहाँ से देखो, अच्छा कोई दो मैट्रिक्स इक्वल कब हो सकता है, जब दोनों सेम ऑर्डर का हो, कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट का पोजीशन, कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट जो हो वो सेम होना चाहिए अगर कांस्टेंट है, मतलब क्या पोजीशन वाइज, मतलब क्या यहाँ 0 है, यहाँ भी क्या है 0 है, यहाँ -8 है बैलेंस है, और अगर के का वैल्यू यहाँ से कुछ आ रहा है, सपोज कीजिए 5 आ रहा है, तो दूसरे जगह से भी के का वैल्यू 5 आना चाहिए, अगर यह 3 बात है तो मैट्रिक्स इक्वल होता है। चलिए हम लोग भी चेक कर लें, लेट्स चेक 1+k 8 है दिया हुआ, 1+k का वैल्यू 8 है, 8 है, k कितना हो गया 7, अच्छा दूसरे जगह पे कहीं देखें, यहाँ देखें तो क्या है 49+k है, 49+k है, कितना है 56, k का वैल्यू 7, सेम आया ना दोनों जगह, तो मतलब है कि k का वैल्यू हम लोग इवेल्युएट कर सकते हैं। तो इस तरह का टाइप हम लोग देखें, दो टाइप मैं आज बताया हूँ, फिर हम लोग मैट्रिक्स के श्रृंखला को आगे बढ़ाएंगे। कुछ बच्चों ने हमसे कमेंट किया था कि अगर लॉकडाउन ख़त्म हो जाता है, क्लास खुल जाती है, तो आपका यूट्यूब पर वीडियो आएगा, तो मैं उस बच्चों को कह दूँ, और भी बच्चे जो कंफ्यूज हैं, जिनको भ्रम है, उनको मैं बता दूँ, क्लास खुल जाए बहुत अच्छी बात है, लेकिन यूट्यूब पर मैं कंटिन्यू रहूँगा, YouTube पे अब क्लास सब दिन होते रहेगा, क्योंकि मेरा ऐसा है कि मैं जो चीज़ शुरू करता हूँ उसके साथ जुड़ा हुआ रह जाता हूँ आखिरी तक, अपने तरफ से मैं कोशिश करता हूँ, तो क्लासेस होती रहेंगी YouTube पे, लॉकडाउन रहे अथवा ख़त्म हो जाए, तो इस भ्रम को आप निकाल लेना। तो यह दूसरा क्वेश्चन था, के का वैल्यू 7 हम लोग लिख दिए, कोई दिक्कत, तो मैट्रिक्स का और भी सिक्वेंस आगे आएगा, हम लोग उसको देखेंगे। थोड़ा सा आज मैं प्रॉपर्टीज आपको बता दूंगा, प्रॉपर्टीज को आप अच्छे से देख के आना, क्योंकि जो आने वाला पार्ट 008 होगा उसमें बहुत अच्छा अच्छा क्वेश्चन हम लोग देखेंगे,
थोड़ा सा इसको लिख लिए होंगे, ये दो टाइप में बताया ताकि आप जो बना रहे होंगे थोड़ा सा आगे बढ़ पाए। अब इस तरह का, अब देखिए इसी में ए क्यूब आ जाएगा या मैट्रिक्स का थ्री ऑर्डर होगा। बच्चे प्रॉब्लम में, आप तो टू ऑर्डर का बताए थ्री ऑर्डर आ गया, अरे मल्टीप्लिकेशन आता है, स्केलर मल्टीप्लिकेशन आता है, आई से मल्टीप्लाई करने आता है। खुद से जितना मैथमेटिक्स बनाइएगा वह आपको बेनिफिट है। अब मैं बुक खोल लूँ लिखूँ टाइप वन एक्सरसाइज 5.1 टाइप टू बच्चे के तरह, यह उतना अच्छा नहीं होता है। आप लगाइए यहाँ है मैं बुक, कहाँ से ये क्वेश्चन आ रहा है, मैं खुद हर एक टाइप का क्वेश्चन आपके सामने रख रहा हूँ। उसके बाद भी अगर डाउट है तो कमेंट बॉक्स में दीजिए, टेलीग्राम का लिंक वहाँ दिया हुआ है, अबाउट में जाइएगा वहाँ पे दिया हुआ है, उससे हमको क्वेश्चन पूछिए। तो पहले लगाना चाहिए, खुद से लगाइए, उस तरह क्या हो जाएगा कि आप तोता के तरह हो जाएंगे। तोता नहीं बनना है, समझ में आ गया, बाज के तरह बनना है, झपट्टा मारना है। तो इस क्वेश्चन को उम्मीद करते हैं उतार लिए होंगे। अब देखिए ये प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन, काफी थ्योरी का बोर्ड पे अंबार लगा हुआ है, देख लीजिए चारों तरफ थ्योरी ही थ्योरी है। तो मैं सबसे पहले प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन, इस प्रॉपर्टीज को घर में जब इस वीडियो को देखने के बाद आप अच्छी तरह सोचेंगे, देखेंगे, क्वेश्चन में लगाएंगे। देखिए कोई चीज पढ़ते हो तो उसको इम्प्लीमेंटेशन करना सीखो, कोई चीज़ आप सीखे उसको कैसे यूज करते हैं। इंग्लिश में ही आप कोई वर्ड सीखते हो, अगर आप उसका यूज नहीं करोगे भूल जाओगे। अपने जो बातचीत है, कन्वर्सेशन है, किसी से कम्युनिकेट करते हैं तो वहाँ यूज करना चाहिए। कोई चीज़ यूज में होगा तो प्रैक्टिस में रहेगा, आपको याद रहेगा। ठीक उसी तरह मैथमेटिक्स भी होता है, प्रॉपर्टीज अगर आप पढ़ते हैं तो क्वेश्चन में लगाएं। वहाँ कहीं किसी क्वेश्चन में यह नहीं लिखा होता है कि यूजिंग प्रॉपर्टीज मल्टीप्लाई द मैट्रिक्स, ऐसा नहीं लिखा होता है, सोचना होगा। अब देखिए सबसे फर्स्ट पहला प्रॉपर्टी ए बी इक्वल टू जीरो, जीरो नहीं है ओ है, मतलब जीरो मैट्रिक्स है। लोगों के मन में एक भ्रम होता है, या इसका मतलब है ए बराबर जीरो और बी बराबर, सीधा सीधी देखिए यह किताबी बातें हैं, किताब में ही रह जाएगा। मैं दिमाग में सेट कर रहा हूँ आपके, मैं जो बोलूँगा सीधे आपके दिमाग में जाना चाहिए। ए बी इक्वल टू अगर जीरो हो, दो मैट्रिक्स का प्रोडक्ट अगर जीरो है, सबसे पहला थिंग जो हिट करता है हम लोगों के दिमाग में वह है ए जीरो होगा या बी जीरो होगा। कुछ लोग सोच लेते हैं दोनों जीरो होगा, लेकिन ए बी जीरो तभी हो सकता है, या गलत नहीं है, ए जीरो हो सकता है, बी जीरो हो सकता है, या दोनों जीरो हो तो ए बी जीरो होता है। लेकिन एक शर्त यह भी है कि ए में ए और बी जीरो के इक्वल नहीं हो, मतलब जीरो मैट्रिक्स नहीं हो, लेकिन उस दोनों का प्रोडक्ट जीरो मैट्रिक्स हो जाता हो, ऐसा भी संभावना होता है। तो मैं यहाँ लिखा आइदर ए जीरो और बी जीरो, और ए एंड बी नॉट इक्वल टू जीरो, इस लाइन का मतलब आप समझ गए होंगे, मैं स्टेटमेंट में बोला या सिंबॉलिक नोटेशन में। सेकेंड नंबर, जनरली ए बी, मैं मैट्रिक्स का जब मल्टीप्लीकेशन बता रहा था वहाँ बोला था कि ए बी बी ए के इक्वल नहीं होता है, इट डज नॉट फॉलो कम्यूटेटिव लॉ। लेकिन अगर ऐसा हो जाए, अगर कैसे हो जाएगा, ए के जगह आप 1111 ले लो, बी के जगह 1111 सेम एलिमेंट, तो जितना ए बी आएगा उतना बी आएगा ना, तो मैं ए बी नॉट इक्वल टू बी ए का बात नहीं कर रहा हूँ। मतलब अगर कम्यूटेटिव नहीं है, मतलब ए बी नॉट इक्वल टू बी ए है, वो सबको मालूम है। ए बी अगर बी ए हो जाए तो उस कम्यूट कर गया, कम्यूट करने का मतलब क्या समझे, यह कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करता है। अच्छा, अगर ए बी इवेल्युएट किए माइनस बी ए हो जाए, तो माइनस है तो एंटी, एंटी कम्यूट हो गया। अच्छा, मैट्रिक्स में ए बी सी का प्रोडक्ट और ए बी सी का प्रोडक्ट हो सकता है पॉसिबल, कब, ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले बी सी इवेल्युएट किया जाएगा, बी सी इवेल्युएट किया जाएगा, जो बी सी का ऑर्डर होगा और फिर ए का ऑर्डर होगा उससे मैच करेंगे मल्टीप्लिकेशन के लिए। यहाँ पे पहले ए बी इवेल्युएट किया जाएगा, ए बी का जो ऑर्डर और सी का ऑर्डर अगर मैच कर जाएगा यानी कंपेटिबल होगा तब ऐसा पॉसिबिलिटी है, समझ में आ गया। ए इंटू बी प्लस सी ऐसा हो सकता है, ऑर्डर सेम होना चाहिए। अब देखिए कोई भी मैट्रिक्स को अगर आप
यूनिट मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई कर दोगे तो वही मैट्रिक्स आ जाएगा। अच्छा मतलब क्या, अगर ए इक्वल टू 10133456789 है उसको यूनिट मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करना है वही मैट्रिक्स आ जाएगा। ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सब याद रखना है। अच्छा आई को यूनिट मैट्रिक्स, कहीं कहीं आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी कहा जाता है। अब एक चीज और जानिए, ए प्लस बी का होल स्क्वायर कितना होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। लेकिन अगर मैट्रिक्स में आपसे कोई पूछे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ab प्लस ba होता है। ऐसा होता है कैसे, अरे ab ba के इक्वल नहीं होता है, मतलब वो कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो नहीं करता। अगर वो फॉलो कर गया तो मैं यहाँ लिखा हुआ हूँ, इफ ए एंड बी आर कम्यूट तब ए प्लस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर बी स्क्वायर 2ab। कैसे 2ab लिखे, अरे अगर कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करेगा कम्यूट होगा तो ab ba के इक्वल होगा ना, होगा। ab अगर ba का इक्वल है तो ba के जगह ab लिख सकते हो, ab प्लस ab 2ab होगा या नहीं होगा, होगा। सातवां, ab अगर ac के इक्वल हो, कलाकार लोग दिमाग लगा लेते हैं, ए कैंसिल किए बी इक्वल टू सी लिखे, या बी इक्वल टू सी नहीं है, देखिए नॉट का साइन लगा, ऐसा पॉसिबिलिटी नहीं है। यूनिट मैट्रिक्स का कितना भी पावर आप इवेलुएट कीजिए, यूनिट मैट्रिक्स खुद आ जाएगा। नहीं नहीं समझ में आया, कैसे, बहुत कंफ्यूज कर दिया। आई पे पावर 1 वही आएगा, आई का स्क्वायर कैसे इवेलुएट करेंगे, आई का स्क्वायर आई इंटू आई वही आई आ जाएगा। गुना करके आप घर में, आपको मल्टीप्लीकेशन आता है ना, मल्टीप्लीकेशन आता है मैट्रिक्स का, आता है ना, घर में कर सकते हैं ना, यूनिट मैट्रिक्स पता है ना, चेक कर लेना जी। अच्छा आई ही हो जाएगा। एक और बात मैं यहाँ बता दूँ जो नहीं लिखा था, ए स्क्वायर अगर इवेलुएट करना हो, ए इंटू ए कर लेंगे मैट्रिक्स में, ए क्यूब अगर इवेलुएट करना हो तो ए स्क्वायर इंटू ए कर लेंगे। अच्छा अगर ए फोर इवेलुएट करना होगा तो ए क्यूब इंटू ए, मतलब ए फोर तक जाने के लिए इस पीछे के प्रोसेस को फॉलो करना होगा। अच्छा आइए, कुछ स्पेशल मैट्रिक्स, सम स्पेशल मल्टीप्लिकेशन मैट्रिक्स का यह वह कुछ स्पेशल टाइप है। ध्यान से देखिए, कोई मैट्रिक्स ए है उसका आप स्क्वायर किए, आई आ गया, आई मालूम है ना जी, यूनिट मैट्रिक्स और आइडेंटिटी मैट्रिक्स, उस मैट्रिक्स को इन्वोल्यूटरी मैट्रिक्स कहा जाता है। ए स्क्वायर अगर ए आ जाए, आपको एक्सरसाइज में मिलेगा, सो डैट ए स्क्वायर इक्वल टू ए, उसी को कोई उल्टा करके बोल देगा आइडम्पोटेंट। अब आप घबरा गए, आइडम्पोटेंट, ए स्क्वायर अगर ए हो वैसा मैट्रिक्स को क्या कहते हैं, आइडम्पोटेंट मैट्रिक्स। ए कोई एक मैट्रिक्स ए दिया है, स्क्वायर क्यूब 4 5 6 किसी भी, मतलब ए क्यूब या ए फोर करने से ए फाइव करने से जीरो आ गया, जीरो मैट्रिक्स आ गया, तो उसको नीलपोटेंट कहते हैं, नील मतलब ही होता है जीरो। ए पे पावर के प्लस 1 इक्वल टू ए, तो उस मैट्रिक्स को कहा जाता है पीरियडिक मैट्रिक्स। मतलब कोई एक मैट्रिक्स ए है, उसको दो बार या तीन बार क्यूब करने पर, 4 पावर करने पे, 5 पावर करने पे वही ए आ रहा है। मान लीजिए ए का 5 पावर करने पे वो आ रहा है, तो के का वैल्यू 4 हो गया, तो वही के 4 जो है 4 + 1 बराबर ए जो आएगा वही कहलाएगा पीरियडिक मैट्रिक्स। या मैट्रिक्स ए का ट्रांसपोज, हम लोग इस मल्टीप्लिकेशन के बाद ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स पढ़ेंगे, सिमेट्रिक स्क्यू सिमेट्रिक, कोई भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज और उस मैट्रिक्स को गुना करने से अगर आई आ जाता हो, मतलब आइडेंटिटी आ जाता हो, आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जाता हो, तो उसको ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स कहा जाता है। तो आज जितना भी थ्योरी मैं यहाँ पर रखा, इसको अपने दिमाग में आप सेट कर लेना। हम लोग मैट्रिक्स को आगे, मैट्रिक्स के श्रृंखला को आगे बढ़ाते रहेंगे। आप लोग सिर्फ वीडियो को एंजॉय कर लेते हैं, उसको अपने घर में थोड़ा प्रैक्टिस भी कर लेना। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए, शेयर कर लीजिए। मेरे चैनल का नाम पता है ना, हैश सेतु सिंह टाइप करते ही मैं प्रकट हो जाऊँगा, मेरे प्रकट होने के साथ 8007 तक मैट्रिक्स का देख लेना है। समझ में आ गया बा, सेतु मैथमेटिक्स हेतु 8008 के साथ आप लोगों के समक्ष पुनः उपस्थित होगा, इस उम्मीद के साथ कि मैट्रिक्स के मल्टीप्लिकेशन के चैप्टर को तोड़ फोड़ स्टार्ट कर दिए हैं। थैंक यू।